अभिनेत्री दीपिका पादुकोण की फिल्म छपाक आज देश भर के सिनेमाघरों में रिलीज हो गई। अब इस फिल्म के रिलीज होते ही कहीं विरोध देखा जा रहा है तो कहीं समर्थन के स्वर फूट रहे हैं। मध्य प्रदेश में जहां एक तरफ छपाक को टैक्स फ्री कर दिया गया है, वहीं दूसरी ओर इसका विरोध भी देखा जा रहा है। इंदौर में तो इसे लेकर बीजेपी अब सड़कों पर उतर आई है। देखिए ये खास रिपोर्ट। भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा नगर अध्यक्ष राजेश शिरोडकर की अगुवाई में इंदौर में सुबह सपना संगीता स्थित आइनॉक्स टॉकीज के बाहर भाजपा कार्यकर्ताओं ने फिल्म को लेकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। फिल्म का बहिष्कार करते हुए कार्यकर्ताओं ने बैन करने की मांग की। इस दौरान दीपिका पादुकोण का पुतला भी जलाया गया। दरअसल दीपिका अपने फिल्म के प्रमोशन में दिल्ली स्थित JNU कैंपस में गई थी और हिंसा में घायल स्टूडेंट से मुलाकात की और दुख भी जताया। इस दौरान वहीं कन्हैया कुमार भी उपस्थित थे। अनुसूचित जाति मोर्चा के नगर अध्यक्ष राजेश शिरोडकर ने कमलनाथ सरकार द्वारा छपाक फिल्म को टैक्स फ्री किए जाने पर कहा कि उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को मुफ्त में फिल्म दिखाने के लिए यह कदम उठाया है। अभी कुछ दिनों पूर्व दीपिका पादुकोण JNU के छात्रों का समर्थन करने गई थी। ये वही JNU के छात्र हैं जिन्होंने देश के प्रति देश के विरोध में नारे लगाए, देश को टुकड़े टुकड़े करने की मांग करते हैं, वहाँ पर माँ भवानी को गलत गलत बताते और महिषासुर की पूजा करते हैं। तो ऐसे जो देशद्रोही और देश को टुकड़े टुकड़े करने वालों का साथ देने वाली फिल्म नायिका दीपिका पादुकोण, जो कि चंद पैसों के लिए अपनी पब्लिक सिटी, झूठी पब्लिक सिटी पाने के लिए JNU छात्रों के बीच में पहुंची और उनका समर्थन किया। हमने आज यहाँ पर दीपिका पादुकोण की फिल्म छपाक लगने वाली है, उसी के विरोध में आज उसके पोस्टर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। बता दें कि टुकड़े टुकड़े गैंग के रूप में कन्हैया कुमार को जाना जाता है और दीपिका को लेफ्ट के छात्रों के बीच जाना भारी पड़ गया। सोशल मीडिया पर दीपिका साथ कन्हैया कुमार की तस्वीरें वायरल होने के बाद भाजपा ने फिल्म का विरोध शुरू कर दिया। हालांकि कांग्रेस ने दीपिका और उनकी मूवी का मजबूती से समर्थन किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।